सो हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके मेरे चैनल टेक्निकल वन में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाले, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से DSLR जैसे फोटो बना सकते हैं। मतलब कि सिर्फ एक क्लिक में, अगर आप एक क्लिक करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो एकदम ब्लर हो जाएगा DSLR जैसे। साथ ही अगर आप चाहते हो अपने बैकग्राउंड को बदलना तो भी आप कर सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। और कोई भी अगर सामने वाला आपका फोटो को देखेगा तो बिल्कुल एकदम चौंक जाएगा और वो सोचेगा कि यार ये बंदा कब DSLR लिया है। तो दोस्तों अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करना चाहते हो या फिर इस ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी पक्का दबा दीजिए ताकि आप देख सकें मेरे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत है, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा एंट्री भी था, फिर आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है, मतलब कि परमिशन दे देना है, ठीक है। तो परमिशन देने के बाद फिर आपके सामने ऐसा एंट्री भी था, फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। तो वेट करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा एंट्री भी था, फिर आप यहाँ पर गूगल से या फिर फेसबुक से भी साइन इन कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या कर देना है, कंटिन्यू विथआउट साइन इन पे टैप कर देना है। फिर उसके बाद आपके सामने ऐसा एंट्री भी जाएगा, फिर आपका मोबाइल का जो सामने का कैमरा है, मतलब कि जो सेल्फी कैमरा है, जो फ्रंट कैमरा है, वो ऑन हो जाएगा, मतलब कि चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर चाहते हो PC कैमरा से फोटो करना तो उसके लिए आपको क्या कर देना है, मतलब कि PC का जो कैमरा है उससे अगर आप चाहते हो फोटो को क्लिक करना तो उसके लिए आपको इस जगह पर टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने के बाद आपका जो PC का कैमरा है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक फोटो क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो सेल्फी कैमरा से क्लिक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने फोटो क्लिक कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सामने ऐसा एंट्री देगा, फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। वेट करने के बाद आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपके सामने ऐसा एंट्री देगा, तो ऐसा एंट्री आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते मेरा जो PC का बैकग्राउंड है वो एकदम से ब्लर हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ब्लर ज़्यादा या फिर कम भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते ब्लर ज़्यादा हो गया, मतलब कि बढ़ गया, फिर उससे भी बढ़ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर चाहते हो कि और भी इफेक्ट देने के लिए तो उसके बाद यहाँ पर आपको इस जगह पे टैप कर देना है, फिर आप यहाँ पर देख सकते बहुत ही कमाल की इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर भी इफेक्ट लगा सकते हो, साथ ही यहाँ पर बहुत ही कमाल की इफेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर चाहते हो कि आपका जो बैकग्राउंड का जो मतलब कि जो बैकग्राउंड है उसको बदलना तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर कस्टम पे टैप कर देना, ठीक है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको चूज बैकग्राउंड पे टैप कर देना है, ठीक है। यहाँ पर टैप करने के बाद फिर आपको यहाँ पर गैलरी पे जाना है, फिर आप यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड को लगाना चाहते हो तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक फटाफट से कोई भी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया और एक क्लिक में ही मेरा जो बैकग्राउंड है वो बदल गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।